तो सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यं हरये नमः श्रीकृष्ण परमात्मनं पूर्णं कर्तुं विश्वात्मको धुना देवा एतद् चंपकपुष्पं समर्पयामि महागणपतये नमः शमीपत्रं समर्पयामि ओं गंगणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यं हरये नमः श्रीकृष्ण परमात्मनं पूर्णं कर्तुं विश्वात्मको धुना देवा एतद् चंपकपुष्पं समर्पयामि महागणपतये नमः शमीपत्रं समर्पयामि ओं गंगणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यं हरये नमः श्रीकृष्ण परमात्मनं पूर्णं कर्तुं विश्वात्मको धुना देवा एतद् चंपकपुष्पं समर्पयामि महागणपतये नमः शमीपत्रं समर्पयामि ओं गंगणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यं हरये नमः श्रीकृष्ण परमात्मनं पूर्णं कर्तुं विश्वात्मको धुना देवा एतद् चंपकपुष्पं समर्पयामि महागणपतये नमः शमीपत्रं समर्पयामि ओं गंगणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यं हरये नमः श्रीकृष्ण परमात्मनं पूर्णं कर्तुं विश्वात्मको धुना देवा एतद् चंपकपुष्पं समर्पयामि महागणपतये नमः शमीपत्रं समर्पयामि ओं गंगणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यं हरये नमः श्रीकृष्ण परमात्मनं पूर्णं कर्तुं विश्वात्मको धुना देवा एतद् चंपकपुष्पं समर्पयामि महागणपतये नमः शमीपत्रं समर्पयामि ओं गंगणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यं हरये नमः श्रीकृष्ण परमात्मनं पूर्णं कर्तुं विश्वात्मको धुना देवा एतद् चंपकपुष्पं समर्पयामि महागणपतये नमः शमीपत्रं समर्पयामि ओं गंगणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यं हरये नमः श्रीकृष्ण परमात्मनं पूर्णं कर्तुं विश्वात्मको धुना देवा एतद् चंपकपुष्पं समर्पयामि महागणपतये नमः शमीपत्रं समर्पयामि ओं गंगणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यं हरये नमः श्रीकृष्ण परमात्मनं पूर्णं कर्तुं विश्वात्मको धुना देवा एतद् चंपकपुष्पं समर्पयामि महागणपतये नमः शमीपत्रं समर्पयामि ओं गंगणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्
सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायां हरये नमः श्रीकृष्णपरमात्मनं पूर्णं कर्तुं स्वात्मको धुना देवा एतद् चंपकपुष्पं समर्पयामि महागणपतये नमः शमीपत्रं समर्पयामि ओं गंगणपतये नमः एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायां हरये नमः श्रीकृष्णपरमात्मनं पूर्णं कर्तुं स्वात्मको धुना देवा एतद् चंपकपुष्पं समर्पयामि महागणपतये नमः शमीपत्रं समर्पयामि ॐ गंगणपतये नमः सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायां हरये नमः श्रीकृष्णपरमात्मनं पूर्णं कर्तुं स्वात्मको धुना देवा एतद् चंपकपुष्पं समर्पयामि महागणपतये नमः शमीपत्रं समर्पयामि ॐ गंगणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायां हरये नमः श्रीकृष्णपरमात्मनं पूर्णं कर्तुं स्वात्मको धुना देवा एतद् चंपकपुष्पं मंदिर पहुंचे जहां पर पूजा आराधना करते हुए नजर आए और इस दौरान की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। पूजा अर्चना के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला आज रखेंगे और साथ ही उन्हें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा। और इसी पर ताज़ा अपडेट देने के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता योगेश इस वक्त जुड़ गए हैं। योगेश, फिलहाल क्या कुछ ताज़ा अपडेट मिल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर पूजा अर्चना में मंदिर वो जब पहुंचे थे तो पूजा अर्चना करते हुए नजर आए, इसके आगे का क्या कुछ कार्यक्रम? प्रधानमंत्री यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं और अभी आरती जो है आरती इस वक्त यहाँ पर हो रही है। इसके उपरांत जो है जो यहाँ जिस तरीके से यहाँ जो प्रक्रिया है यहाँ पे पूजा पाठ की जिस तरीके से यहाँ पे परंपरा है उस हिसाब से यहाँ पूजा हो रहा है। 11 बजे के करीब प्रधानमंत्री यहाँ पे आए थे और उसके बाद से जो है कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है। इसके बाद के मैं आपको अगर डिटेल बताऊं तो प्रधानमंत्री यहाँ के बाद जो है दो कार्यक्रम जो अलग अलग दो कार्यक्रम है उस दो कार्यक्रम में प्रधानमंत्री हिस्सा लेने वाले हैं। तो पहला इनका इसके बाद का कार्यक्रम रहेगा वो जहाँ पर प्रधानमंत्री इस वक्त लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड है उस कार्यक्रम में जाएंगे जहां इनको सम्मानित किया जाएगा लोकमान्य तिलक अवार्ड से। 41वें अवार्ड जो विजेता होंगे वो प्रधानमंत्री होंगे। इससे पहले अवार्ड कई सारे मोटाने लोगों को दिया जा चुका है जो कि अपने अपने क्षेत्र में विख्यात हैं। खास करके बात करें तो देश की प्रगति देश सेवा इन सब से जुड़ा हुआ है सम्मान लोकमान्य बालगंगाधर तिलक जो है उनकी पुण्यतिथि भी है जिनको प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि भी दी थी सुबह ट्विटर के माध्यम से। ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो तीसरा कार्यक्रम है वो मेट्रो जो इनॉग्रेशन जो कि दो कॉरिडोर है जो दो गलियारा है एक भोगेवाड़ी से सिविल कोर्ट है और दूसरा गरवारे कॉलेज से रूबी हॉल क्लिनिक है। ये दो रूट पे मेट्रो सेवा जो है वो शुरू होगी। इसको प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। 2016 में प्रधानमंत्री ने इसकी आधारशिला रखी थी और आज जो है इसका इनॉग्रेशन होगा। इसके अलावा अगर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अगर ध्यान दें तो पुणे में इससे पहले भी 2022 में प्रधानमंत्री ने लोकल के एक सेक्शन का जो है आधारशिला रखी थी उसका भी काम इस वक्त जो है वो चल रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री वहां पे योजनाएं जो है वो भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम आवास योजना के तहत जो 1280 घर बने हैं पीसीएमसी का मतलब जो पिंपरी चिंचवार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके तहत जो 1280 घर बने हैं वो लाभार्थियों को दिए जाएंगे। इसके अलावा 2650 घर जो की पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से बनाए गए हैं वो लाभार्थियों को दिए जाएंगे। इसके साथ ही करीब 1190 जो घर बनेंगे आने वाले समय में उसकी आधारशिला जो है वो भी प्रधानमंत्री रखेंगे। इन सब के अलावा एक महत्वपूर्ण मैं आपको ये भी बता दूं जो पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन है
इसके तहत भी 6400 घर जो है 6700 घर वो बनने हैं, इसकी आधारशिला पीएम रखेंगे। इन सब के अलावे वेस्ट टू एनर्जी को का जो एक कंसेप्ट जो कि महाराष्ट्र का पहला इस तरीके का संयंत्र होगा, उसको भी प्रधानमंत्री जो है उसका भी लोकार्पण करेंगे। माना जा रहा है कि इस तरीके से कार्बन उत्सर्जन में कटौती की जा रही है, चाहे वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हो या फिर इंडिया में जो कमिटमेंट है यूएन के जो कमिटमेंट है उसको उसके लाइन पे उसको लेकर एक बड़ा है कि कार्बन उत्सर्जन जो है काफी कम होगा इस जो एनर्जी प्लांट है इसके जरिए। साथ में जो बॉयलर में साफ पानी अभी यूज होता है उस बॉयलर में इस संयंत्र के मार्फत जो पानी निकलेगा उसको किया जाएगा। कुल मिलाकर देखें तो बहुत सारे बृहद योजनाएं हैं जो कि आज पुणे और पिंपरी के द्वार से मिलने जा रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए योगेश। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता शिशिर भी सुक्त जुड़ गए हैं। शिशिर, अगर देखा जाए तो कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हरी झंडी दिखाते हुए भी प्रधानमंत्री आज नजर आएंगे, मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे, साथ ही जो अपशिष्ट के उपयोग वाला जो ऊर्जा संयंत्र है उसका भी उद्घाटन करेंगे। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो जितने भी महानगर हैं वहाँ पे एक बड़ी समस्या है, वेस्टेज को आखिर कैसे मैनेज किया जाए, तो कहीं ना कहीं पुणे में जो मैनेज किया जाएगा उससे ऊर्जा अब बनाई जाएगी। बिल्कुल, तो स्मार्ट सिटी को अगर स्मार्ट बनाना है तो जो मजबूत है उन पर ध्यान देना होगा। खासतौर पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें कि एक सिटी का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो तो जाहिर सी बात है जो लोग उसमें रहते हैं उनकी लिए सुविधा काफी आसान हो जाएगी। दूसरी महत्व बात होती है कनेक्टिविटी की, जो कि स्मार्ट मोबिलिटी अभियान है, उसके जरिए अगर खासतौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अगर ज्यादा तवज्जो दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि जो लोग शहर टू शहर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उनका उनकी भी हालांकि सब काफी सहूलियत की बात होती है। दूसरी महत्व बात किसी भी स्मार्ट शहर के लिए होती है, और तीसरी होती है सस्टेनेबिलिटी, यानी किस प्रकार से आप शहर का विकास कर रहे हो और इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा, फिर चाहे वो हम सीवेज ट्रीटमेंट की बात करें या फिर कचरा जिस प्रकार से मैनेज होता है शहर का उसको किस प्रकार से मैनेज किया जाए इस पर ध्यान दिया जाए। ये चीज अगर देखा जाए प्रमुख चीजें होती है किसी भी शहर के लिए, किसी भी शहर के लिहाज के विकास के लिए। पुणे की बात करें तो पुणे का विकास पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए, जब से पुणे ने आईटी हब का हालांकि जब से नाम सुना है और बड़ी बड़ी कंपनी पुणे में आई है, तब से अगर देखा जाए पुणे में जो पॉपुलेशन है वो तो बड़ी है और साथ ही साथ जो उसका अगर परिस देखा जाए तो वो भी काफी बड़ा हुआ है। पुणे एक काफी छोटा शहर हुआ करता था कुछ सालों पहले, लेकिन अब ये काफी बड़ा शहर है। तो ऐसे में इस बड़े शहर में काफी बड़ी डिमांड वक्त लोगों की है, अच्छी सुविधाएं की जरूरत उनको चाहिए जाहिर सी बात है। दूसरी महत्व बात आवास की होती है, जब ज्यादा लोगों का पॉपुलेशन यहाँ पर काम के लिए आता है तो ऐसे में अफोर्डेबल हाउसिंग किस प्रकार से मुहैया की जाए इस पर जो है सरकार का ध्यान ज्यादा होता है। इस वक्त सरकार ने इसी चीज को यहाँ पर जरूरत पूर्ण किया, हालांकि आज का प्रधानमंत्री का दौरा देखेंगे तो उसमें उन सभी बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है। सबसे शुरुआत अगर करेंगे तो अफोर्डेबल हाउसिंग की, ये सपना रहा है मौजूदा सरकार का कि जो लोग है खासतौर पर जनता के लोग है उनके लिए अफोर्डेबल होम जो है घर जो है मुहैया कराने का प्रयास अलग अलग योजनाओं के माध्यम से चल रहा है। हालांकि खासतौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना का अगर जिक्र करेंगे तो इसके तहत पूरे देश भर में जो खासतौर पर जो अर्बन सिटीज है और जो रूरल एरियाज है वहां पर भी आवास बनाए जा रहे हैं। पुणे भी अगर देखा जाए पुणे में भी बड़ी तादाद में कि अब जो है अफोर्डेबल हाउसिंग की स्कीम की शुरुआत हो चुकी है और एक आंकड़ा अगर हम कहें तकरीबन 5 से 6 हजार अफोर्डेबल हाउसिंग पुणे में बनकर इस वक्त जो है बनने जा रही है। आज अगर देखा जाए प्रधानमंत्री के हाथों से जो तकरीबन 1200 से भी ज्यादा अफोर्डेबल हाउसिंग की चाबियां लोगों को उनके हाथों मिलेगी, बिल्कुल। दूसरी महत्व की बात होगी, तीसरी महत्व की बात आने वाले समय में पूरे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें या फिर हम पुणे रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें तो उनके जरिए जी अगर देखा जाए समस्या तो थी तो पूरे वासियों के लिए उसका समाधान जो है आज यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरे महत्व की बात हालांकि इतना बड़ा तबका होगा जैसे मैंने पहले कहा कि कनेक्टिविटी एक शहर से एक बहुत दूसरी ओर जाने के लिए इस वक्त अगर देखा जाए तो घंटों का वक्त लगता है अगर आप बीच में ट्रैफिक फंस जाते हैं तो। बिल्कुल, अगर स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन की सिस्टम अगर हम मुहैया कराते हैं लोगों को खासतौर पर तो ऐसे में जो ट्रैवल टाइम है उसकी भी बचत होगी, ईंधन की भी बचत होगी। हालांकि इसी को मद्देनजर रखते हुए आज मेट्रो को जो है फ्लैग ऑफ प्रधानमंत्री करेंगे। हालांकि ये दो मेट्रो जो सेवा अगर देखी जाए तो ये इलाके के जो काफी व्यस्त इलाका है पुणे का, खासतौर पर अगर बात करें पुणे आरटीओ, पुणे शहर, पुणे रेलवे स्टेशन, नगर निगम कार्यालय या फिर हम बात करें गरवारे कॉलेज, ये वो इलाका है जहाँ खासतौर पर ज्यादा से ज्यादा भीड़ होती है। और अगर आप एक खास जगहों से ट्रैवल करते हैं उसकी गाड़ी से
घंटों का समय लग चुका है। हालांकि अब जबकि पूनागर मेट्रो की शुरुआत हो चुकी है और यह मेट्रो की शुरुआत सरकार के कार्यकाल में हुई थी, इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री ने ही किया था और अब जबकि प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं तो फेज वन के तहत जो प्रमुख रूट है पुणे के फुगेवाड़ी से जो एक रूट आगे बढ़ेगा उन रूट को जो है उसका आज फ्लैग ऑफ प्रधानमंत्री करेंगे। तो जो लोग खास तौर पर इन पॉपुलेटेड एरिया से गुजरेंगे तो जाहिर सी बात है उनका वक्त जरूर बचेगा, एनर्जी जो है वो भी बचेगी, तो ऐसे में पुणे की बड़ी बात है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है तो आज प्रधानमंत्री को जो है पुणे में सम्मानित किया जाएगा लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से। पुरस्कार की अगर मैं बात करूँ आप लोकमान्य तिलक बात करें महाराष्ट्र में तो एक ऐसा आवाज नारा उन्होंने बुलंद किया था वो भी अपने विचारों में काफी स्पष्ट लोकमान्य तिलक काफी मुखर भी थे, खासतौर पर जिस प्रकार से राष्ट्र होना चाहिए एक स्वतंत्र राष्ट्र होना चाहिए और साथ ही साथ एक स्वावलंबी राष्ट्र भी होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने स्वदेशी का नारा भी बुलंद किया था। तो ये उनके विचारों की कुछ पहल थे, हालांकि इन्हीं विचारों को आगे लेके जाने के लिए इस वक्त पुणे में जो लोकमान्य तिलक स्मारक समिति है उनके हस्ताक्षर जो है 1 अगस्त को इस पुरस्कार दिया जाता है और खासतौर ये पुरस्कार उनको दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र के लिए राष्ट्र निर्माण के लिए कुछ प्रेरणादायी कार्य किया हो। और चरित्र अगर देखी जाए कि हालांकि इसका अगर देखा जाए तो 40वां साल है और आज प्रधानमंत्री को जो है 40 रेसिपिएंट होते हैं अवार्ड, तो ऐसे में इससे पहले का जो देखा जाए जी हो अगर हम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बात करें या फिर पूरे राष्ट्र की बात करें कई गणमान्य लोगों को जो है ये पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया और आज प्रधानमंत्री को उनको उनके कार्यों की यह हालत से माना जाएगा। प्रधानमंत्री का खास तौर पर चर्चा की बात सरकार की मौजूदा खासतौर पर जो अलग अलग योजना है आपने वह योजना किसी उसी तर्ज पर आधारित है जिस प्रकार के विचार लोकमान्य तिलक स्वदेशी भारत बनाना था, तो इसी प्रकार देखा जाए तो एक आत्मनिर्भर भारत की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र के तहत मेड इन इंडिया का आज सारी भारत में नहीं बल्कि स्वस्तर पर अगर देखा जाए तो मेड इन एक ब्रांड बन चुका है। हालांकि इस मेड इन इंडिया ब्रांड की वजह से जो भारत के उत्पाद है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी अच्छी तरीके से उनको जो है सम्मान मिल रहा है, उनको काफी अच्छी खपत भी है, डिमांड भी ज्यादा है। तो इसके प्रमुख इसमें कई सारे लोग इससे कई सारे लोग जो है इस वक्त भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें भी आगे बढ़ रहे हैं। तो हालांकि इन्हीं विचारों के साथ जो है मौजूदा सरकार कार्य कर रही है और उसी के मद्देनजर जो स्मारक समिति जो उनके लोग हैं उन्होंने हालांकि डिसाइड किया कि प्रधानमंत्री जो है उचित कार्य करें इसीलिए उनको आवाज से जो है नवाजा जाएगा। जी जिस तरीके से देखा जाए तो आज लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जाएगा और ये पूरे देश के देश हर एक देशवासी के लिए गौरव का पल होगा और इस पल के लिए हम सभी इंतजार भी कर रहे हैं।